उदयपुर जिले के कानोर से रेलवे स्टेशन के पास एक घटना हुई है जिसमें झोलाचाप क्लिनिक के बाहर एक भ्रूण मिला है। आपको बता दें एक भ्रूण मिला है। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। भिंडर ब्लॉक में 10 दिन में दूसरा भ्रूण मिलने का मामला है। उदयपुर के कानोर से बड़ी खबर है जहाँ रेलवे स्टेशन के पास की घटना है जहाँ पर एक झोलाछाप क्लिनिक के बाहर भ्रूण मिला है। दूसरा मामला है जब भ्रूण मिला है भिंडर ब्लॉक में 10 दिन में ये दूसरा भ्रूण मिलने का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पास की ये घटना है, गंभीर घटना है जहाँ झोलाछाप क्लिनिक के बाहर ये भ्रूण मिला है। इसको देखकर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और आगे प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। रेलवे स्टेशन के पास उदयपुर के कानोर से ये खबर है जहाँ झोलाछाप क्लिनिक के बाहर एक भ्रूण पाया गया है। इस भ्रूण को देखकर काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो गए। भिंडर ब्लॉक में ये दूसरा मामला है जब एक भ्रूण मिला है। इससे पहले भी 10 दिन से में एक और भ्रूण मिला था जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे सहयोगी धीरज रावल हमारे साथ में। धीरज, दूसरी बार भ्रूण मिला है, एक झोलाछाप क्लिनिक के बाहर मिला है, क्या कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल, उदयपुर जिले के कानोर क्षेत्र के अंदर रेलवे स्टेशन के पास झोलाछाप क्लिनिक है उसके बाहर यह भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलते ही मौके पर जैसे ही लोगों को सूचना मिली, काफी संख्या के अंदर लोग जो है वो मौके पर इकट्ठा हो गए। जहाँ पर भ्रूण मिला है वो ये कानोर से भिंडर सड़क मार्ग है जहाँ पर एक झोलाछाप डॉक्टर का क्लिनिक है उसके बाहर ही ये भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलने के बाद प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन के आला अधिकारी जो है कानोर थाना क्षेत्र के जो पदाधिकारी उनके नेतृत्व में टीम वहाँ पहुंची और भ्रूण को अपने क्लिनिक के बाहर मिला। क्या वहाँ पूछताछ की गई की एक झोलाछाप क्लिनिक के बाहर मिला, क्या ये इत्तफाक है या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये प्लानिंग है? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इस क्षेत्र के अंदर लगातार ये दूसरी बार जो है वो भ्रूण मिला है। उस भ्रूण मिलने से लगातार शहर में कस्बे में जो है वो एक चर्चा का विषय बन गया है कि किस प्रकार से जो भ्रूण हत्या की जा रही है उसको लेकर के भी यह सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि लगातार सरकार जो है वो भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन इस प्रकार से भ्रूण वो भी 10 दिन के अंदर दूसरा भ्रूण जो है वो मिलने से। अगर आपको जानकारी हो ये भ्रूण बच्ची का था, बच्चे का था, लड़का था, लड़की थी, कुछ जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, अभी इस बारे में कोई जानकारी इसलिए नहीं प्राप्त हो रही, जैसे ही भ्रूण दिखा था तो लोग उसके पास जाने से कतरा रहे थे। वहाँ पर प्रशासन को अवगत कराना उन्होंने पहले उचित समझा। अभी प्रशासन जी धीरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर जुड़ेंगे आपसे।